जुलाई 2011 26 बच्चे, 25 अक्टूबर 2011 24 घंटे में 11 बच्चे, नवंबर 2011 16 बच्चे, जनवरी 2012 20 दिन के भीतर 82 बच्चे, अप्रैल 2012 2 दिन में 13 बच्चे और जनवरी 2014 25 बच्चे। ये बच्चे यहाँ काल के गाल में समा गए। जगह यही थी मालदा जिला अस्पताल। मालदा जिला अस्पताल इस इलाके का एकमात्र सरकारी अस्पताल है जिस पर मालदा जिले की 33 लाख से अधिक आबादी का दबाव है। इस इलाके में दूसरा कोई रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। नतीजा ये कि न सिर्फ जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और मालदा के लोग बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार से और आसपास के उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के लोग भी यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और इससे इस अस्पताल पर काफी ज्यादा दबाव बना हुआ रहता है। इतनी बड़ी तादाद में नवजात शिशुओं की मौत सिर्फ सेहत का मसला नहीं है बल्कि इस इलाके के कम विकास और गरीबी की वजह से एक सामाजिक और आर्थिक समस्या भी बन चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री सावित्री मित्रा इसका सारा दोष पूर्ववर्ती वाम मोर्चे की सरकार को देती है। 34 साल बाद जो ये बंगाल हम लोग का 3.5 साल हुआ हम लोग को मिला, उसमें हम लोग का बच्चा लोग के लिए एसएनसीयू बहुत बनाया गया, ये हम लोग का मेडिकल कॉलेज बनाया गया, गांव में भी एसएनसीयू बन रहा है बच्चा लोग के लिए और मेल न्यूट्रिशन के लिए बहुत कुछ काम ने उन्होंने किया। तो इसीलिए हम लोग आगे हम लोग 2.5 साल में तो 34 साल का जो किया जा रहा है वो तो हम लोग एक साथ नहीं कर सकता ना। इस पूरे इलाके में ज्यादातर आबादी ग्रामीण है, उनमें भी ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यानी इनकी तादाद करीब 57% के आसपास है। मालदा के आसपास के इलाकों में विवाह की औसत आयु 12 से 13 साल की है, यानी 15 साल की नहीं होने से पहले इन लोगों की शादी हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है। मालदा जिले में ही सिर्फ 42% लड़कियां उनकी उम्र शादी के वक्त 18 से कम की होती है और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच यह हालत और भी चिंताजनक है। इस स्थिति के लिए भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए ही नजर आते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मुद्दा है उसमें तो बिल्कुल आ जाएगा ना। श्रेष्ठ भारत छोटे बच्चे को छोड़ के हो जाएगा क्या? हम लोग एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है कुछ हो नहीं पा रहा। इस इलाके में भीषण गरीबी है तो जाहिर है कुपोषण भी है, शिक्षा की कमी है तो जागरूकता भी नहीं है। ऐसे में कम उम्र में शादियां भी हो जाती है। कम उम्र में शादी और कुपोषण, इसकी वजह से बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं और उनकी सेहत को खतरा पैदा होता है। लेकिन आम जनता से जुड़े ये मुद्दे लहरों, बवंडरों और झंझावातों के बीच कहीं उड़ जाते हैं। सेहत और शिक्षा कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। जाहिर है आम आदमी भी इसकी मांग नहीं कर पा रहा है। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, मालदा।